दोनों की जहां पर लखनऊ में सपा कांग्रेस की पहली समन्वय बैठक जारी। अखिलेश यादव, अजय राय और विधायक आराधना मिश्रा बैठक में मौजूद है। अमेठी और रायबरेली से गांधी परिवार का सदस्य चुनाव लड़ेगा, यह अजय राय की तरफ से कहा गया है। चुनावी रणनीति पर समन्वय बैठक में चर्चा और 17 सीटों पर चुनावी रणनीति बना रही है कांग्रेस। सामूहिक जनसभाओं और प्रचार की बनेगी योजना। राहुल गांधी और अखिलेश की संयुक्त जनसभा पर भी मंथन। 63 सीटों पर अगली समन्वय बैठक में होगी चर्चा। बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर सपा मुख्यालय पर समन्वय बैठक जारी है, उसमें बात की जाए तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में ये बैठक। सामूहिक जनसभा और प्रचार की भी योजना बनेगी। राहुल गांधी और अखिलेश की संयुक्त जनसभा पर भी मंथन। इसके अलावा 63 सीटों पर अगली समन्वय बैठक में चर्चा होगी, ये भी जानकारी दी गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर लखनऊ में सपा कांग्रेस की पहली समन्वय बैठक जारी है। इस बैठक की बात की जाए तो अखिलेश यादव, अजय राय और विधायक आराधना मिश्रा बैठक में मौजूद हैं। वहीं अगर बात करें अमेठी और रायबरेली से गांधी परिवार का सदस्य चुनाव लड़ेगा, इसको लेकर भी मंथन। सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने अपना गठबंधन तय किया, सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने अपनी सीटें घोषित की, सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने अपना प्रचार शुरू कर दिया। और आप देखना, सबसे पहले जीत का भी जो संदेश आएगा वो समाजवादी पार्टी और गठबंधन का होगा। तो सबसे पहले गठबंधन किया, सबसे पहले सीटों का बंटवारा किया, सबसे पहले पार्टी कैंपेन सॉन्ग रिलीज किया। तो आप पहली सूचना भी समाजवादी पार्टी और गठबंधन की सीट की जीत का आपको सुनने को मिलेगा। सबसे सब मिलकर पूरी ताकत के साथ इंडिया गठबंधन को जिताएंगे। इसके लिए दिन रात हमको मेहनत करनी पड़ेगी, हम दिन रात मेहनत करेंगे। और जिन साथियों ने अभी कुछ बात बोली, आप चिंता न करिए, आप जितनी ताकत से हमारे साथ खड़े रहेंगे हम उससे पीछे नहीं रहेंगे। आपको हम विश्वास दिलाते हैं। धन्यवाद। और अब जो भी तय कर दिया, सभी प्रस्ताव हमारी तरफ से चले गए हैं। सर्वसम्मत से प्रस्ताव पीसी ने किया है कि वहां पर गांधी परिवार का कोई व्यक्ति आके लड़े, ये हम लोगों ने प्रस्ताव। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता स्कंदिता मिश्रा हमारे साथ में जुड़ चुकी है। स्कंदिता, बात की जाए तो सपा और कांग्रेस की संयुक्त बैठक और खास करके अमेठी और रायबरेली सीट को लेकर, गांधी परिवार को लेकर खास करके चर्चा, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, आज समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की संयुक्त बैठक हुई है, समन्वय बैठक हुई है। और जो कांग्रेस को 17 सीटें दी गई थी समाजवादी पार्टी की तरफ से, जिनपे उन्होंने प्रत्याशी घोषित करने हैं, उसको लेकर आज बातचीत हुई है। बैठक में उन 17 सीटों को लेकर रणनीति बनाई गई है कि आखिर किस तरीके से चुनाव होगा, क्या कुछ रणनीति होगी, कौन प्रत्याशी होंगे और कैसे प्रचार किया जाएगा। वहीं आपको बता दें, इस बैठक में साथ ही जो राहुल गांधी, अखिलेश यादव की साथ में जनसभाएं होंगी, संयुक्त जनसभाएं होंगी, उसको लेकर भी चर्चा होती हुई नजर आई है। इसके अलावा आपको बता दें, जो 63 सीटों पर जो किस तरीके से रणनीति बनेगी, वहां पर प्रचार प्रसार कैसे होगा, उसको लेकर अगली समन्वय बैठक में बातचीत होगी। तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन जो है वो साफ तौर पर मजबूत नजर आ रहा है। जहाँ एक और भारतीय जनता पार्टी अपना एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, तो वही अब इंडिया गठबंधन में भी अखिलेश यादव, राहुल गांधी पीटीए के मुद्दे को धार देते हुए नजर आ रहे हैं। और अब लोकसभा चुनाव 2024 के लिए पूरा माहौल सेट कर रहे हैं। आज की अगर समन्वय बैठक की बात की जाए तो 17 सीटों को लेकर अखिलेश यादव ने कमर कस ली है। और इस दौरान आपको बता दें, कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस विधायक आराधना मिश्रा मोना से मौजूद रही है। इसके अलावा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय बैठक का हिस्सा रहे। तमाम लोग जो है वो पहुंचे और कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर माहौल सेट करते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरीके से उनकी जनसभाएं होंगी, कहां कहां कौन कौन से जिले में जाएंगे, आज की जो बैठक थी उसमें 17 सीटों पर खास विशेष फोकस किया गया है। और 17 सीटें वही है जो अखिलेश यादव की तरफ से समाज कांग्रेस को दी गई थी, उनमें कांग्रेस को अपने प्रत्याशी घोषित करने हैं। उन नामों को लेकर लगभग बात तय हो गई है। अगर प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की बात की जाए तो आज वो अपने बयान में साफ तौर पर कहते हुए नजर आए, जब उनसे सवाल पूछा गया मीडिया ने कि अमेठी रायबरेली से कौन प्रत्याशी के तौर पर उतरेगा, तो कहीं ना कहीं उन्होंने साफ किया कि गांधी परिवार
परिवार का ही, क्योंकि गांधी परिवार की सीट रही है तो गांधी परिवार का ही कोई व्यक्ति जो है वो मैदान में उतरेगा। अभी नाम जो है वो डिक्लेयर होना बाकी है, लेकिन जो तैयारियां हैं वो मजबूत हो गई हैं, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और अब बस 2024 चुनाव क्योंकि बहुत ज़्यादा नज़दीक है, आचार संहिता लगने में भी बहुत कम समय बाकी रह गया है, तो ऐसे में जो बचा कुचा समय है उसमें सभी पार्टियां प्रचार करने को लेकर लगातार तैयारियों में जुटी हुई है, रैलियों को लेकर जो है वो कमर कस ली है, इसके अलावा जनसभाएं अलग अलग जिलों में कराने को लेकर भी लगातार बात कर रहे हैं। अगर दोनों ही पार्टियों की बात की जाए तो अपने अपने मुद्दों के साथ मैदान में उतर गए हैं और अखिलेश यादव भी जो बची हुई सीटें हैं जिन पर सूची हुई, जिन पर प्रत्याशियों का नाम जारी नहीं किया गया है उनका भी जल्द से जल्द नाम जारी करेंगे और 17 सीटों पर भी अब वो आखिरी अंतिम मोहर लगना बाकी रह गया है कि कब वो नामों का ऐलान होगा, वो 17 सीट पर कौन कौन से प्रत्याशी होंगे जो मैदान में उतरते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, चलिए शुक्रिया जुड़ने के लिए विस्तार पूर्वक जानकारी।